जहां जिस कोर्ट द्वारा डिसऑनर किए जाएंगे उसी कोर्ट द्वारा सुना जाएगा। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ वी प्रेजेंट द केस बिफोर द पर्सन हियर। पार्टीज आर कॉल्ड टू पार्टीज, वन इज कॉल्ड कंप्लेनेंट एंड अनदर पार्टी कॉल्ड एक्यूज्ड। यहां पर ड्रॉवर कंप्लेनेंट है कि ड्रॉई कंप्लेनेंट है? ड्रॉवर ऑफकोर्स, हु इज द ऑथर ऑफ द, हु इज द ऑथर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इज द ड्रॉवर। और अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो चुका है, डिसऑनर हुआ है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रॉवर की चली जाती है। और ड्रॉवर और बैंकर जो रहते हैं, ये जो रहेंगे, ये किस में चले जाते हैं, एक्यूज में चले जाते हैं। और ड्रॉवी, जिसको पेमेंट करना था नहीं मिला, वो व्यक्ति कंप्लेनेंट में चला जाएगा। तो यहां पार्टी का नाम कंप्लेनेंट और एक्यूज के रूप से फाइल किया जाता है अंडर सेक्शन 132। और यहां पर 200 के बयान नहीं होते हैं। अब ये 200 के बयान क्या है, ये कुछ टर्म्स हम सभी लोगों को अवगत होना चाहिए। 200 के बयान नॉर्मली कुछ लोग समझते भी हैं। सीआरपीसी में जब भी कोई कंप्लेंट पेश होती है, तो कंप्लेंट पेश होते से ही मजिस्ट्रेट विल नॉट टेक द कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस मतलब उसको संज्ञान में मजिस्ट्रेट नहीं लेता है, तब तक नहीं लेता है जब तक देयर शुड बी द एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन होगी। यहां पर एग्जामिनेशन का मतलब ये नहीं कि उसको एक कॉपी दे दी जाती है, डेढ़ दो घंटे का कोई पेपर दे दिया जाता है कि एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन नहीं है। कटघरे में इन द वुडन विटनेस बॉक्स ही विल गिव द सर्टन स्टेटमेंट इन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने, इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट ही हैज टू मेक द सर्टन स्टेटमेंट। तो कंप्लेनेंट की परीक्षा इसको कहा जाता है, परिवादी की परीक्षा। और यहां नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां पर सीधे 142 का एक सिर्फ एफिडेविट देना पड़ता है, कंप्लेनेंट के साथ में एक शपथ पत्र देना पड़ता है। वो शपथ पत्र को एग्जामिनेशन इन चीफ मान लिया जाता है। एग्जामिनेशन इन चीफ का मतलब है यहां पर अब कंप्लेनेंट की कोई परीक्षा, परिवादी की कोई परीक्षा नहीं होगी। कंप्लेंट के साथ उसका एफिडेविट है, मतलब मामला दर्ज हो जाएगा। और मामला दर्ज होने से ही मजिस्ट्रेट हैज टू सी थ्री थिंग्स, मजिस्ट्रेट को तीन बातें देखनी होती है। और ये तीन एसेंशियल एलिमेंट्स है जिसको हमको भी ध्यान रखना है। फर्स्ट, मजिस्ट्रेट हैज टू सी वेदर कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, और क्या उस कोर्ट को टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है टू लिसन द केस एंड टू इशू एंड टू ट्राई द केस, टू इशू द समन। क्या एक्यूज को समन जारी करना और उस केस को सुनना और उस केस को निर्णय देने का उसको टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है, तो वो कैसे देखता है? एज आई टोल्ड यू, कॉज ऑफ एक्शन, वेदर द बैंक हु हैज डिसऑनर्ड द चेक हैज सिचुएटेड इन पर्टिकुलर एरिया। सपोज मान लीजिए कि मेरी एक बैंक है, हाईकोर्ट ब्रांच में मेरा ऑफिस है, और हाईकोर्ट ब्रांच जो है वो तुकोगंज थाने में लगता है। उस ब्रांच से यदि चेक डिसऑनर हुआ है, तो तुकोगंज थाने का जो कोर्ट लग रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तुकोगंज थाना जिस मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट हो रहा है, मैं उस मजिस्ट्रेट के सामने अगर मैंने कंप्लेंट लगाई है, देन ही विल एक्सेप्ट माई कंप्लेंट। तो फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड, ही विल सी द लिमिटेशन, ऑल द लिमिटेशन, वेदर चेक वॉज प्रॉपरली प्रेजेंटेड विद इन थ्री मंथ्स, whether 1 month notice was given, within 1 month notice was given to the accused. And third thing, after 15 days, if the 15 days has been given or not to the accused. If all limitations are there, then he will accept your complaint. And last thing, proper affidavit and dishonor and all the things, memo, complainant signature and proper court fees. If it is all affixed with the complaint, कंप्लेंट के साथ यदि सब चीजें लगाई गई है, तो इन तीन बातों को देखकर मजिस्ट्रेट विल गिव यू द नंबर ऑफ द केस, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड फौजदारी प्रकरण क्रमांक। इन हिंदी इट इज कॉल्ड फौजदारी। फौजदारी इज द क्रिमिनल केस नंबर, क्रिमिनल कंप्लेंट नंबर दर्ज होगा। आजकल कंप्यूटर सेक्शन वहां पर भी दर्ज हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी एक प्रोसिक्यूशन शीट मिलती है, जिसमें आपको एक आपका पर्टिकुलर एक नंबर मिल जाता है, उसको बोलते हैं कंप्लेंट नंबर। और उसके बाद इश्यूज हो जाते हैं, समन्स जारी हो जाते हैं। अब बड़े ही अच्छे एक चेंजेस आ चुके हैं, इन चेंजेस को हमको समझना है। जो पुराना जो एक्ट था उसमें दो चेंजेस आए, इन दो अमेंडमेंट्स को आपको ध्यान पे रखना है। 1881 जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसमें 2002 और 2018 जो अभी जुलाई में रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए, उन अमेंडमेंट्स को पढ़कर हम ये भी देखते हैं कि कोर्ट का व्यू क्या है, कोर्ट ने किस प्रकार से अपने टेस्ट को बदला है। 2002 तो फॉर्मल है, क्योंकि आफ्टर इंडक्शन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, 2002 में ऑनलाइन चेक और डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता देने के लिए अमेंडमेंट हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन जो रिसेंट अमेंडमेंट हुए 2018 के अमेंडमेंट, उसमें दो इंपॉर्टेंट सेक्शन जोड़ दी गई। एक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 147 पर क्लोज हो जाता था, एक नई धारा जोड़ दी गई 148।
और एक नया सेक्शन और इंसर्ट किया गया, दैट सेक्शन इज 143A। और इन दोनों में महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए। सबसे पहले 143A की बात करें तो उसमें यह चेंजेस कर दिया गया कि इंटरिम कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, द मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर फॉर द इंटरिम कॉम्पनसेशन। व्हाट इज इंटरिम कॉम्पनसेशन? ये अंतरिम क्षतिपूर्ति है क्या? एज वी नो दैट राइट नाउ देर इज पेंडेंसी, एज मैडम ऑल्सो सेड, देर इज लॉट ऑफ केसेज एंड लॉट ऑफ मनी हैज बीन आर ब्लॉक्ड इन द पेंडेंसी केसेज ऑफ द नेगोशिएबल। एक लॉ कमीशन की तो रिपोर्ट आई थी कि जैसे मोटर व्हीकल एक्ट के लिए अलग से ट्राइब्यूनल बन चुके हैं, इनकी पेंडेंसी को देखते हुए, डिसऑनर केसेस की पेंडेंसी को देखते हुए इसकी अलग से फर्दर एक ट्राइब्यूनल बनना चाहिए। हालांकि उस रिकमेंडेशन को अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं लिया है, लेकिन हम यदि देखें जेएमएफसी क्या देखें तो 30-40% पेंडेंसी इसी की चल रही है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। हियर अप्रॉक्सीमेटली 100 पीपल आर सिटिंग हियर, आई थिंक इसमें से कई लोग होंगे जिनके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में या तो कंप्लेनेंट या तो एक्यूज के रूप में, एक्यूज के रूप में नहीं होंगे, कंप्लेनेंट के रूप में जरूर होंगे। हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग द ट्रायल ऑफ द हियर? 2-3% आर देयर। तो हम बात कर रहे हैं कि पेंडेंसी बहुत बढ़ गई और इस पेंडेंसी को देखते हुए ये दो अमेंडमेंट कैरीड आउट हुए। एक सेपरेट ट्राइब्यूनल की बात की गई कि एक सेपरेट ट्राइब्यूनल बनना चाहिए। आपको पता है कि बहुत सारे केसेस पहले साथ चलते थे, सब एक ही कोर्ट में चलते थे, लेकिन आपने देखा होगा एक स्पेशल कोर्ट बना दी गई है। मोटर व्हीकल की जो क्लेम ट्राइब्यूनल है वही जो जज होता है, जो एडीजे है, डिस्ट्रिक्ट जज है, वही व्यक्ति एमएससीटी का चेयरमैन भी माना जाता है। मतलब वही ट्राइब्यूनल है और उसका चेयरमैन के रूप में ट्रीट करता है। हम लोगों ने देखा आजकल पॉक्सो एक्ट, वुमेन ऑफेंसेज हो रहे हैं, महिलाओं के लिए एक स्पेशल कोर्ट बना दी गई है। पॉक्सो मतलब बच्चों से संबंधित जो ऑफेंसेज हो रहे हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर कोर्ट बना दी गई। SC ST जो एट्रोसिटीज एक्ट है उसके लिए एक अलग से कोर्ट बनी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की जो ये बिजली चोरी की जो केसेस हो गए उसके लिए अलग से ट्राइब्यूनल बनाया। तो इसकी भी एक रिकमेंडेशन की गई थी कि इसके लिए एक सेपरेट ट्राइब्यूनल बना दी जाए। शायद उसी को देखकर ये 2018 के अमेंडमेंट्स हुए। ये अमेंडमेंट्स के दोनों सेक्शन हमको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसने बहुत एक ड्रास्टिक चेंजेस लाया है। पहला 143A करके एक अमेंडमेंट, एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है। एंड एज पर दैट स्टेट्यूटरी प्रोविजन नाउ देर इज प्रोविजन ऑफ द इंटरिम कॉम्पनसेशन। मीन्स न्यायालय किसी भी स्टेज पे, एट एनी स्टेज द कोर्ट कैन ऑर्डर टू गिव द इंटरिम कॉम्पनसेशन टू द पर्सन हुज चेक हैज बीन डिसऑनर्ड। तो ऐसा व्यक्ति एक्यूज व्यक्ति को डायरेक्ट कर सकती है कि वो उसको एंटरिम कॉम्पनसेशन दे। सपोज 1,00,000 रुपए का चेक डिसऑनर हुआ है तो केस का फैसला जब होगा तब होगा, लेकिन 1,00,000 का 20% तक, up to 20% नाउ कोर्ट कैन गिव द एंटरिम कॉम्पनसेशन ऑर्डर टू द एक्यूज पर्सन कि 20,000 रुपए आप इसको अभी इमीडिएटली दे दें। अगर केस में अगर आप एक्विट हो जाते हैं, कन्विक्ट नहीं होते, आप दोष मुक्त हो जाएंगे, देन ही विल रिटर्न यू बैक एज पर द मार्केट वैल्यू, मार्केट इंटरेस्ट के हिसाब से वो आपका पैसा वापस आपको लौटा देगा। तो एक नया चेंजेस ये आया है। अब इसके इंटेंशन पे देखें, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन। हम लोगों में जो आपका फाउंडेशन कोर्स रहा था उसमें एक सब्जेक्ट था इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेट्यूट, इंटरप्रिटेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निर्वचन, अर्थ निकालना। तो अगर हम उसमें अर्थ ये निकालते हैं कि इंटेंशन क्या है लेजिस्लेशन का, मतलब कानून बनाने वालों का क्या आशय है, व्हाट वाज द इंटेंशन। सो इंटेंशन हम फाइंड आउट करते हैं बट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेट्यूट, ये उसका इंटरप्रिटेशन करना, उसका अर्थ निकालना। तो अर्थ सही निकालना, वही अर्थ निकालना जो इंटेंशन लेजिस्लेटर का था, जो फ्रेमर का इंटेंशन था, उसी अर्थ को अगर हम सही निकाल रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन, अदरवाइज इट विल कॉल्ड मिस इंटरप्रिटेशन। नहीं तो वो क्या कहलाएगा, मिस इंटरप्रिटेशन हो गया। सपोज आई एम वेरी मच थर्स्टी एंड आई एम कमिंग टू यू इन द समर डेज एंड आई एम टेलिंग यू दैट काइंडली गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम वेरी मच थर्स्टी, बट आप गए किचन में, आपने देखा पानी भरा ही नहीं है आज, आपने बोला सॉरी सर पानी तो ही नहीं, बट इफ यू आर नॉट सप्लाइंग मी वॉटर, बट इफ यू आर सप्लाइंग मी सम कोल्ड ड्रिंक, सम एनी सॉफ्ट ड्रिंक, सर पानी तो नहीं, कृपया आप ये ले लें, देन वी कैन से दैट यू हैव डन द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मीन्स आप इंटेंशन पे पहुंचे कि जरूर नहीं पानी प्यास किसी और चीज से भी बुझाई जा सकती है। तो इंटरप्रिटेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नॉट गोइंग विद द वर्ड टू वर्ड बट द सॉल ऑफ द वर्ड, व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ द वर्ड,
शब्दों के पीछे भाव क्या है, शब्दों का सार क्या है, उन शब्दों पर जाने को ही इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। और यदि हम इन दोनों सेक्शंस के इंटरप्रिटेशन को देखें तो ये जो 20% कॉम्पनसेशन, इंटरिम कॉम्पनसेशन का जो ये प्रोविजन रखा है वो सीधे सीधे इंटेंशन ऑफ फ्रेमर ये बता रहा है कि ये पेंडेंसी कम हो, यानी व्यक्ति जो केयरलेसली इशू कर रहे हैं चेक, उनको पता है कि उनके अकाउंट में पैसा नहीं है, उसके बावजूद भी इफ दे आर इशूइंग द चेक, इफ दे आर ड्रॉइंग द प्रॉमिसरी नोट, इफ दे आर ड्रॉइंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, देन इट विल प्रोड्यूस द मोर लिटिगेशंस, लिटिगेशंस को बढ़ाएंगे। और एक लेटिन मैगजीन है, मोर लिटिगेशंस आर हार्मफुल फॉर द स्टेट, जितना लिटिगेशन होगा वो राज्य के हित में नहीं होगा। और इसी को देखकर 143A इंसर्ट की गई, एक नया सेक्शन और इंसर्ट किया गया 148 अपील। अब कई लोग नीचे से कन्विक्ट होते हैं या एक्विट होते हैं, जो भी ट्रायल कंक्लूड होती है 138 के केसेस में, जो ट्रायल होगी या तो कन्विक्ट होगा या एक्विट होगा, दोनों ही दशाओं में अपीलें जाती थी। अपील इज अ लीगल राइट टू चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द कोर्ट बिलो, और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करना, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए व्यक्ति अपील करता है। इस अपील प्रोविजंस को भी कम करने के लिए ये 148 आ गया है। अब इसमें बता दिया गया है कि अपील के साथ 20% जो भी अमाउंट था वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके पहले ऐसा कोई बंधन नेगोशिएबल एक्ट में कोई ऐसा बंधन नहीं था। अगर आप अपील कर रहे हैं, इफ यू आर चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ द ट्रायल कोर्ट, वेदर इन केस ऑफ एक्विटल, वेदर इन केस ऑफ कन्विक्शन, यू हैव टू पे 20% ऑफ द इम्प्यून अमाउंट। So again, it is this intention of legislation is to minimize the pendency of the appeal also. So appeal को भी कम करने के लिए ये दो drastic amendments carried out हुए। Now I'm going to the further views of the court. न्यायालय के क्या क्या views हैं इसके ऊपर हम थोड़ा सा discuss करें। तो न्यायालय के कुछ important cases हैं, वैसे तो cases बहुत हजारों हैं, लेकिन फॉर द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पर्पस आई हैव रिटन डाउन सम केसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड फर्स्ट इज द मेसर्स मीटर्स वर्सेस इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता केस AIR 2017। द व्यू ऑफ कोर्ट हैज बीन चेंज रिगार्डिंग द कंपनी मैटर ऑफेंसेज बाय द कंपनी। एज वी नो दैट बिजनेस, ओल्ड बिजनेस वॉज सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहले जो बिजनेस, जो आपके एरिया का जो बिंदु है उसी बिंदु को मैं टच कर रहा हूं जिसको कोर्ट ने जिसको एक्सप्लेन किया। द बिजनेस वॉज सोल प्रोप्राइटर बट ग्रेजुअली इट वॉज कन्वर्टेड इन टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वॉज द न्यू साइन ऑफ द बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा रिस्क एक ही व्यक्ति का था, सारा प्रॉफिट उसका था, सारा लॉस उसका था। पार्टनरशिप में आते आते कुछ चेंजेस आ गए, एक व्यक्ति के पास स्किल है, एक के पास कैपिटल है, दोनों ने फॉर्म चालू कर दी, या हो सकता है कैपिटल कम है, दोनों ने रेशियो ऑफ कैपिटल से फॉर्म चालू कर दी। फॉर्म के बाद और जो रिसेंट आया वो था कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो यहां पर जो लायबिलिटी ऑफ कंपनी है उसके बारे में कोर्ट का यूं कहना है कि हु इज द सिग्नेटरी, यू नो देर इज अथोर इन कंपनी, डायरेक्टर्स आर बाय द बोर्ड ऑफ मेंबर, सम डायरेक्टर्स हैव बीन असाइंड टू साइन ओवर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब यहां पर कोई व्यक्ति मान लीजिए कंपनी को पार्टी नहीं बनाता है, इफ कंपनी का कोई चेक डिसऑनर हो गया और उस पर जो सिग्नेटरी मेंबर कोई डायरेक्टर है और किसी व्यक्ति ने कंप्लेंट पेश करी, ऑथर ऑफ द चेक मीन्स ड्रॉवर के नाम से पेश करी, डायरेक्टर के नाम से, और कंपनी का नाम नहीं लिखा इन द कंप्लेंट, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट। इस चीज को कोर्ट ने केस में डील किया और कोर्ट ने कहा कि शुरू में कोर्ट का व्यू ये रहा कि यदि कंपनी को आपने पार्टी नहीं बनाया तो डायरेक्टर विल नॉट बी लायबल बिकॉज ही हैज डन हिज एक्ट इन द पावर ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। यू नो वाइकेरियस लायबिलिटी, ही वॉज नॉट डूइंग हिज ओन फंक्शन। वाइकेरियस लायबिलिटी मीन्स अ पर्सन हु आर डूइंग फंक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ समवन एल्स। मास्टर सर्वेंट, सर्वेंट इज नॉट लायबल बिकॉज ही वॉज डूइंग द फंक्शन एज पर द डायरेक्शन ऑफ द मार्क मास्टर प्रिंसिपल। सो वाइकेरियस लायबिलिटी का ये प्रिंसिपल चला, लेकिन इस 2017 में कोर्ट ने चेंज कर दिया। कोर्ट ने ये कह दिया है कि अब जो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी होंगे, इफ दे आर द सिग्नेटरी, अथॉराइज्ड सिग्नेटरी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इफ इट इज बीन डिस्चार्ज,
तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि कंपनी को पार्टी बनाया नहीं बनाया, द डायरेक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो जब भी हम किसी कंपनी का अकाउंटिंग या ऑडिटिंग कर रहे हैं तो उसमें इस बिंदु पर अब ध्यान रखना है कि कोर्ट का व्यू इस मामले में अब बदल चुका है, नाउ देर इज नो इफेक्ट ऑफ दी मेकिंग कंपनी एज अ पार्टी और नॉट, नाउ डायरेक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल, भले वो रिटायर हो गया हो, भले वो कहीं पे ट्रांसफर हो गया हो, कहीं भी ही हैज टू कम टू फेस द ट्रायल। अनदर इंपॉर्टेंट केसेस नाउ टू व्यूज, 2012 से 2017 में एक और महत्वपूर्ण बिंदु में सुप्रीम कोर्ट ने अपने व्यूज को चेंज किया, अनीता हाड़ा वर्सेस गॉडफादर ट्रेवल एंड टूर प्राइवेट लिमिटेड, 2012 का केस था। इस केस में ये एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई, जो सर्विस ऑफ नोटिस होता है, आप देखें सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ने चर्चा की थी कि नोटिस दिया जाना मैंडेटरी है, उस नोटिस को सामने वाले तक पहुंचने को ही सर्विस ऑफ नोटिस कहा जाता है। वी कैन से सर, इसको उर्दू भाषा में एक बहुत कॉमन वर्ड चलता है, दैट इज कॉल्ड तामिली। आई थिंक एवरीबडी हर्ड अबाउट दिस वर्ड तामिल, यानी नोटिस तामिल हो गया, तामिल का मतलब हो गया वो सर्व हो गया, सर्व मतलब सामने वाले तक, जिसको एड्रेसी को पहुंच जाने को ही सर्व कहा जाता है। अब यहां पर क्या होता है, जब हम रजिस्ट्री करते हैं, रजिस्टर रेडी करते हैं, जब नोटिस किसी भी एडवोकेट के माध्यम से या कंप्लेनेंट खुद भी अपने नाम से रजिस्ट्री करता है, तो उस रजिस्ट्री में जब व्यक्ति को वो नोटिस तीन चार कारणों से नहीं मिलता है, नंबर वन रहता है रिफ्यूज, रिफ्यूज टू टेक, यानी डाकिया लिख देता है पीछे कि सामने वाले व्यक्ति ने लेने से इंकार किया। कई बार आप देखिएगा एनवलप के पीछे, जिन्होंने रजिस्ट्री की होगी उनको पता है, रजिस्ट्री के पीछे लिखा रहता है डाकिया तीन बार जाता है, तीन तिथियों में लगातार जाता है, और तीनों बार यदि वो नहीं लेता है सामने वाला व्यक्ति, तो लिख देता है लेने से इंकार, या इंग्लिश में लिख देगा रिफ्यूज। तो पहला रीजन ही आता है। दूसरा रीजन आता है नॉट अवेलेबल, यानी जिस एड्रेस पे हम लोगों ने भेजा है उस एड्रेस पे वो मिलता ही नहीं है, या लॉक्ड, लॉक लिखता है LOCKED, लॉक, या लेफ्ट लिखा रहता है, लेफ्ट मतलब ही हैज लेफ्ट दैट पर्टिकुलर एड्रेस विच वी हैव मेंशन इन द नोटिस, क्लोज्ड, या कई जगहों पे ऐसा डाकिया लिख देता है कि क्लोज्ड है। अब इस चीज में ये जो मैंने आपको केस मेंशन किया अनीता हड़ा, इस केस में लिटिगेशन लेने से कोर्ट इंकार कर देती थी, इसको चेंज कर दिया 2017 का ही, हरिकृष्ण का एक केस हुआ, हरिकृष्ण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट का व्यू डिफरेंट हो चुका है, कोर्ट ने कहा है कि यदि कंप्लेनेंट के पास एक्यूज का जो एड्रेस था उस एड्रेस पर उसने नोटिस प्रॉपरली भेजा है, फिर भले ही वो लॉक्ड हो, रिफ्यूज्ड हो, लेफ्ट हो, नहीं मिला, इन सब का अर्थ क्या माना जाएगा, नोटिस सर्व हो चुका है और कंप्लेंट विल बी एक्सेप्टेड, उसकी कंप्लेंट एक्सेप्ट कर दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चेंजेस कोर्ट ने अपने व्यूज में किया है, एक तो कंपनी के डायरेक्टर के मामले में और एक सर्विस ऑफ नोटिस के मामले में। तो ये सारे बातें थी जिससे हम सभी को अवगत होना अत्यंत जरूरी है। लास्ट बट नॉट लिस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी वॉन्ट टू शेयर, दैट इज अबाउट द रिसेंट अमेंडमेंट। ये जो हमने अभी अमेंडमेंट की चर्चा की, इन अमेंडमेंट्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका ये इफेक्ट है कि टू मिनिमाइज द लिटिगेशन, लिटिगेशन को मिनिमाइज करने के लिए दिन प्रतिदिन क्या हो रहे थे, चेक बहुत तेजी से डिसऑनर हो रहे थे, और इस डिसऑनर के जब कंप्लेंट पेश की जा रही थी तो मेनी कंप्लेंट्स वर प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अलॉन्ग विद 420 ऑफ द आईपीसी। इस 420 को जब कंप्लेंट के साथ लिया गया तो कोर्ट हैज रिफ्यूज टू टेक द कॉग्निजेंस इन द 420 आईपीसी। आईपीसी की 420 को कोर्ट ने लेने से इंकार कर दिया, क्योंकि 420 में स्पेसिफिक मेंसरिया हैज टू बी मेंशन्ड। मेंसरिया, यू नो मेंसरिया, वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द मेंसरिया, दैट इज कॉल्ड दुराशय, जिसको हम गिल्टी इंटेंशन भी बोलते हैं। हर बार ये जरूरी नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट जो डिसऑनर हो रहा है वो गिल्टी इंटेंशन से दिया हो, कई बार कुछ हेल्पलेसनेस, कुछ विवशता, कुछ मजबूरियों में भी कोई इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में न्यायालय ने 420 के ग्राउंड पर केसेस को, कंप्लेंट को लेने से इंकार कर दिया। एक और जजमेंट आया और ये जजमेंट में ये कहा गया कि 138 विल नॉट बी रीड अलॉन्ग विद दी 420, बट एक्सेप्ट वन इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट थिंग इज दैट इफ अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड, अकाउंट क्लोज के बाद व्यक्ति यदि इंस्ट्रूमेंट देता है और डिसऑनर होता है, तो यहां पर इंटेंशन उस व्यक्ति का दिख रहा है कि इस इंटेंशन इज फ्रॉड और मेलिशियस। नाउ लास्ट, सपोज
एक इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा डिफेंस में ली जाती है, उस डिफेंस को भी हम समझना चाहेंगे। कई लोग आपने देखा होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होने के पहले, जैसे कहीं कई बातें सच भी होती है, किसी व्यक्ति की चेकबुक मान लीजिए कि खो गई है और उसने पहले इंटीमेशन दे दिया है, द पर्सन शुड बी अवेयर। एक लॉ में हम लोगों ने कोटेशन सुना है, द लॉ विल हेल्प टू दोज पीपल हु आर अवेयर। जो लोग अवेयर हैं लॉ उन्हीं की मदद करेगा, जो अपने राइट्स के प्रति अवेयर नहीं है कानून उनकी भी मदद नहीं करेगा। सपोज आपका चेकबुक खो गया है, लॉस्ट है, किसी व्यक्ति के पास आ चुका है, तो ऐसी स्थिति में वी हैव टू गिव द इंटीमेशन ऑफ द केस। उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की इंटीमेशन अपने थाने में देना जरूरी, जरूरी कि वो FIR लिखें। सपोज आपने एक रिटर्न कंप्लेंट की और उस पर एंडोर्समेंट करवा लिया है, इट विल हेल्प इन द डिफेंस। अगर आपका चेक आगे चल के डिसऑनर होता है और केस प्रोसिक्यूट है, तो सारी प्रिजम्पशन जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, वो प्रिजम्पशन आपकी अवेयरनेस की वजह से आपको मदद करेगी। यानी न्यायालय में बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस लिया जाता है कि आई वॉज पर इंटीमेटेड ऑन द प्रॉपर टाइम। और एक लॉ है जो सबसे प्लेंटिफ के खिलाफ, ऐसा कानून जो प्लेंटिफ के खिलाफ चलता है, सारे कानून डिफेंडेंट और एक्यूज के खिलाफ चलते हैं, दैट लॉ वी शुड नो, दैट इज कॉल्ड लिमिटेशन। हम लोगों ने पढ़ा है लिमिटेशन ही कानून, एक ऐसा कानून है जिसको हिंदी में मर्यादा कानून या परिसीमा कानून बोलते हैं। और ये कानून ऐसा कानून है जो प्लेंटिफ के अगेंस्ट चलता है, यानी जो न्यायालय के पास अप्रोच कर रहा है टू गेट द रिलीफ। हम यदि न्यायालय के पास रिलीफ लेने जा रहे हैं तो वी शुड गो ऑन टाइम, हमें टाइम पे जाना है। और यहां नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सारे टाइम बता दिए गए, 3 महीने, 30 दिन, 15 दिन। तो लिमिटेशन इज ऑल्सो अगेंस्ट द प्लेंटिफ, अगेंस्ट द कंप्लेनेंट। इफ वी आर गोइंग टू गेट द रिलीफ देन वी शुड अप्रोच द कोर्ट इन द टाइम, and it is called limitation act, and limitation act is also against the complainant. So these negotiable instruments should not be read alone, it should be read with the limitation act as well as some awareness of the thing. Delay condone ke liye bahut important baat hai, hum log limitation act agar hum logon ne padha ho to section 5 aata hai usme. डीले कंट्रोल, पहले तो जो प्रश्न पूछा है कई लोगों में, क्लियर कर दूं, कई बार क्या होता है कि हम समय पर अप्रोच नहीं कर पाए। जैसा कि हमने बात करी कि इफ वी वांट टू हेल्प, सीक हेल्प फ्रॉम द लॉ, देन वी शुड अप्रोच ऑन टाइम। इफ वी आर नॉट कमिंग ऑन द टाइम, देन कोर्ट विल नॉट टेक यूर एप्लीकेशन, यूर कंप्लेंट, यूर केस। बट डीले, जो आपका डीले हुआ उसको कंडोन किया जा सकता है। सेक्शन 5 में इसकी एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन दी गई है, उस पूरी डेफिनेशन पर हम नहीं जाते हैं, उसके एक सिर्फ शब्द की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। दैट वर्ड इज कॉल्ड सफिशियंट कॉज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पर्याप्त कारण। इफ यू हैव सफिशियंट कॉज देन कोर्ट विल डीले द कंडोन। अगर आपने कोर्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि जो आपके पास डीले का जो कारण था वो कारण सफिशियंट था। अभी सफिशियंट ग्राउंड्स में हम कुछ बातें करते हैं। सपोज आई हैव टू प्रेजेंट द केस विद इन 30 डेज, और 15 दिन पहले ही कम्युनल रॉयट्स होने की वजह से शहर में कर्फ्यू हो चुका है, और ये कर्फ्यू 20 दिन तक चला। अब 20 दिन तक चला तो 15 दिन तो पहले ही मैं लेट था, प्लस 20 दिन और हो गए तो 35 दिन हो गए। नाउ आई एम 5 डेज डीले, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन एक्सप्रेस माय व्यू, द रीजन स्टेटेड इन माय द कंप्लेंट, बिकॉज ऑफ द कर्फ्यू इन दी सिटी आई वॉज अनेबल टू प्रेजेंट दी कंप्लेंट। और यहां पर जो आपका 20 दिन जो डीले हुआ वो कर्फ्यू की वजह से हुआ है, इस वजह से आपका डीले क्या हो सकेगा, कंडोन हो सका। जो सफिशियंसी है, सफिशियंट ग्राउंड, इट डिपेंड्स ओवर द कोर्ट, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है कि वो आपके ग्राउंड को सफिशियंट, इसमें डिजीज होना, बीमार होना, ये भी एक सफिशियंट ग्राउंड में आता है। लेकिन ये चीजें कभी भी नहीं ली जाएगी कि लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी, हमें कानून पता नहीं था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कानून की कमी थी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि साहब 3 महीने में ही चेक लगाना था डिसऑनर का, हमको ये पता नहीं था, आज पता चला है तो आज हम आ गए हैं। तो एक्सक्यूज ऑफ लॉ इज नॉट अ सफिशियंट ग्राउंड फॉर द डिले। या एज पर कोर्ट इसके हिसाब से चार्जेस की रिकवरी
राइट करेक्ट। हम भले ही कंप्लेनेंट या एक्यूज में रहे हों, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि किसी कंपनी फर्म जिसको ऑडिट अकाउंट किया है तो एज अ विटनेस हमको कई बार समन आ जाता है। अभी जो क्वेश्चन मेरे सामने आया है वो एक क्वेश्चन है कि क्या हमारी कंसेंट ली जाना जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेंट इज नॉट कंपल्सरी, आप अपनी कंसेंट लेना जरूरी नहीं है। हियर सबसे पहले तो विटनेस का अर्थ ही क्या होता है, विटनेस इज दैट पर्सन हु इज हेल्प और असिस्टिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, यानी न्याय प्रशासन में सहायता और सहयोग करने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है, विटनेस कहलाता है। अब ये जो बातें आती है चार्टर्ड अकाउंट और सीएस को बतौर विटनेस न्यायालय द्वारा जब बुलाया जाता है, वो कब बुलाया जाता है, जब डिफेंस में ये ले लिया जाता है कि साहब इन्होंने हमको चेक दिया था, क्या इन्होंने अकाउंट में इतना अमाउंट शो किया है, और न्यायालय यदि उस एप्लीकेशन को अलाउ करती है तो फिर वो आपसे कहती है कि आपके पास कौन कौन से विटनेसेस हैं, तो सीए हमारा ऑडिटर है उसको बुलाया जाए। अब न्यायालय जब ऑडिटर को समन करती है तो एक बात आती है कि कॉस्ट ऑफ द विटनेस, अगर कोई विटनेस आता है और पूरा दिन हमारा वहां पे लगता है तो आपके स्टैंडर्ड के अनुसार आपका जो स्टैंडर्ड रहता है, किसी विटनेस को कोर्ट 3,000 रुपये भी दिलाती है एक दिन के, और किसी विटनेस को 50,000 रुपये देने का भी कॉम्पनसेशन रखती है। इट डिपेंड्स ओवर योर, एक मुझे याद है एक केस में कोका कोला कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो आए थे और वो जेएमएफसी में सुबह से लेकर शाम तक फ्लाइट पे आए थे, तो ऐसी स्थिति में सारा जो खर्चा रहता है जिस व्यक्ति ने विटनेस को समन किया उसको बियर करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है आपके स्टैंडर्ड्स पे कि आपको, लेकिन ये बताना पड़ेगा कि हमारा एक दिन का इतना कॉम्पनसेशन है, और वो अगर आप प्रूव करते तो वहां पर आपको कोर्ट देती है। लेकिन ये कौन रिइंबर्स करेगा, जिसने विटनेस को बुलाया है, द पर्सन हु हैज कॉल्ड द विटनेस। नाउ एज आई गॉट दिस स्लिप, इफ एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग नेगोशिएबल दे ऑल आर इनवाइटेड। कॉमन क्वेश्चंस है सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी फेस कर रहे हैं, मैंने कैश लोन दे दिया, मेरे पास हुंडी है और मेरे पास चेक भी है उस हुंडी का, और मार्केट में अभी जिस तरह की परिस्थिति चल रही है उसमें हम सभी को ये देखने में आ रहा है कि अब पार्टी जो है उसकी नीयत बदल गई है। मुझे 138 लगाना है, मेरे पास क्या रेमेडी है, और क्योंकि मैंने लोन कैश दिया था तो क्या इसमें ओनस जो प्रूव करना है, आपने बोला था होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो क्या मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाऊंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ओनस किसके ऊपर लाइज होगा, ओनस मेरे ऊपर होगा या सामने वाली पार्टी के ऊपर होगा, और तीसरी चीज कि क्या उस कैश को प्रूव करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां से न्यायालय कोई इंटीमेशन दे सकता है, या वो पार्टी बोल सकती है कि आप डिपार्टमेंट की तरफ से इस चीज को प्रूव करें। एक ये क्वेश्चन है सर। देखिए जहां तक ओनस की बात है, ओनस मीन्स बर्डन ऑफ प्रूफ, तो ये आप ध्यान रखें कि इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से भी और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो प्रिजम्पशंस बताई गई है, इसमें ओनस हमेशा पहले नंबर पे ओनस उसी व्यक्ति पर लाई करता है जिसका इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ है। तो जिस व्यक्ति का इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ है ओनस हमेशा उसी पर होगा, यदि वो अपना ओनस प्रूव करेगा तो वो ओनस शिफ्ट होगा। और जो दूसरी बात आपने बताई कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोर्ट इंटीमेट, कोर्ट कभी भी इंटीमेट सू मोटो नहीं करता है इन मामलों में, कंप्लेनेंट या एक्यूज्ड की एप्लीकेशन पर ही कोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं करेगा, पार्टीज को करेगा कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उस ट्रांजेक्शन के बारे में, उस केस ट्रांजेक्शन के बारे में अगर आपने कुछ डिस्क्लोजर किया है तो वो डिस्क्लोजर मेमो प्रेजेंट करें। इस प्रकार से न्यायालय अब पार्टीज को करता है। अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 269 SS एंड 269T, हम कैश लोन नहीं दे सकते, और मैंने तो कैश लोन दिया है, तो क्या इस ग्राउंड पे कोर्ट में, लॉ कोर्ट में मेरा केस कमजोर होता है। आजकल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हम सब लोगों ने सुना है, एक साहूकार अधिनियम के तहत एक लाइसेंस लेना पड़ता है, इफ यू आर डीलिंग विद दिस मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, तो एक साहूकार अधिनियम में आपको लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है।
अगर आप बता रहे हैं कि मनी लेंडिंग का अगर व्यवसाय बताया अगर आपने कंप्लेनेंट, तो फिर यहां पर कंप्लेनेंट कमजोर हो जाता है। अगर आपने कहा कि हमारा मित्रवत व्यवहार था और मित्रवत व्यवहार में सामने वाले व्यक्ति ने अपनी नेसेसिटी बताई और हम चूंकि उसको 10 वर्ष से जानते थे और उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमने दिया है, वन टाइम लेंडिंग प्रोसेस बताया है, तो यहाँ प्रिजम्पशन एक्यूज के ऊपर होगा। और यदि आपने ये बता दिया कि मेरा रूटीन ही यही है, मैं लोगों को पैसे देता हूँ ब्याज पे और विदाउट हैविंग साहूकारी लाइसेंस, देन सारे ओनर्स आपके ऊपर है और आपकी कंप्लेंट रद्द होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंड चीज सर, एक प्रॉब्लम ये आती है कि आजकल जैसे ही पैसा मांगो तो आदमी बोलता है कि जहर खा लूंगा और एक चिट्ठी तुम्हारे नाम की छोड़ जाऊंगा। अब समस्या ये है सर कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रीजनेबल माना जाए पहली चीज, और उस रेट तक ही मैं लूंगा तो उधर लॉ ऑफ कोर्ट से मुझे दिक्कत नहीं होगी, पुलिस डिपार्टमेंट से मुझे दिक्कत नहीं होगी, ये भी मुझे एक समझना है। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रीजनेबल माना जाएगा और उसके लिए कहा जाएगा कि नहीं, आपने जो काम किया था वो एडिशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं किया और आपके दबाव के कारण तो उसने जहर नहीं खाया है। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, नॉर्मली हम अपने क्लाइंट से कंसल्टेंसी फीस लेके 2,000 रुपये लेके उनको देते हैं, पर चूंकि बतौर स्पीकर यू हैव इनवाइटेड मी हियर, सो आई वांट टू इनलाइटन यू ऑल। बड़ी प्रैक्टिकल समस्या है ये। पैसे लेने के बाद अपने ही पैसे मांगने पर सामने वाला व्यक्ति हमको थ्रेटनिंग करता है। आई विल नोट डाउन वन सुसाइड नोट, आई विल मेंशन योर नेम, यू आर हैरेसिंग मी। और आपको पता है कि कई बार कई लोग ऐसे कार्य कर भी देते हैं और सुसाइड करने के बाद सुसाइड नोट में सामने वाले व्यक्ति का नाम होता है और पुलिस सीधे जाती है और सीधे सीधे सेक्शन 306 का केस रजिस्टर होता है, 10 ईयर इंप्रिजनमेंट इज देयर इन अंडर आईपीसी। 306 ये कहता है 10 साल की सजा होगी यदि किसी व्यक्ति को आपने हैरास किया और आपके हैरासमेंट से वो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। पुलिस के लिए बहुत मनी मेकिंग का गेम हो जाता है वो, लेकिन इसकी रिसेंट पोजीशन कोर्ट में बहुत अच्छी है। हाई कोर्ट के रेगुलर हम राजेश जोशी सर यहाँ बैठे हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, मैं देख रहा हूँ, सारी 306 की प्रोसीडिंग हाई कोर्ट क्वैश कर रही है। क्वैश मतलब समाप्त कर रही है, कोर्ट इसको मेंटल हरासमेंट नहीं मान रही है। न्यायालय का ये व्यू है कि कोई व्यक्ति यदि अपने ही पैसे आपसे मांग रहा है और वो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, इट डज नॉट कम अमाउंट टू दी परपेचुअल हैरासमेंट। हियर हैरासमेंट एंड परपेचुअल हैरासमेंट देर इज डिफरेंस, बिकॉज अंडर द प्रोविजन ऑफ 306 आईपीसी परपेचुअल हैरासमेंट इज बीन रिटर्न, ऐसा हैरासमेंट जो व्यक्ति को मरने के लिए दुष्प्रेरित करे। और जो दूसरा जो बिंदु था उसके लिए क्या प्रिकॉशंस ली जानी चाहिए, जो मार्केट रेट होता है, नॉर्मल मार्केट रेट जो हम पढ़ते 18% पर एनम 1.5, इसको रिजनेबल माना जाता है। ऐसी दशा में यदि हम किसी को लोन दे रहे हैं, फिर आपका भले इंटरेस्ट ज्यादा भी हो, ज्यादा भी अगर हम ले रहे हैं, तो एक 18% वाला एक एग्रीमेंट हम लोग बनवा लें उस व्यक्ति से, तो क्या है कि अगर मान लो सामने वाले व्यक्ति की नीयत खराब भी हो गई, तो कम से कम हम सिविल सूट में वो 18% पर एनम वाला जो न्यायालय ही उसको मानती है उसके अंदर हम जा सकते हैं। बहुत सी बार क्या होता है सर, थर्ड पार्टी चेक दे दिया जाता है, मैंने पैसा तो आपसे लिया और बोरो किया और मैंने चेक जो है वो वाई पार्टी का आपको दे दिया लाके। इस केस में वाई पार्टी के पास क्या रेमेडी है और आप क्या मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं? हेलो, जो आपने ये बात बताई ये भी बहुत कॉमनली होती है। यहां पर थर्ड पार्टी चेक जब आता है, मान लीजिए कि ट्रांजेक्शन दो लोगों के बीच में, ए हैज टू रिकवर अमाउंट फ्रॉम दी बी एंड बी इंस्टेड ऑफ गिविंग हिज ओन चेक इफ ही सप्लाइंग द चेक ऑफ हिज फ्रेंड सी, तो यहां पर कोर्ट का ये जब व्यू होता है, एक मैं आपको इसी इंसिडेंट पे केस हुआ था, उस केस के बहुत छोटे से फैक्ट्स बताता हूं। ए और बी का इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है और बी ने अपनी इकोनॉमिक लाइबिलिटी को निभाने के लिए अपने दोस्त सी का चेक दे दिया। अब हुआ यूं कि जब बी ने उसको पेमेंट नहीं दिया और ए ने चेक को डिसऑनर करवा दिया, न्यायालय में जब केस दर्ज तो हो जाएगा, दर्ज होने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब एविडेंस पार्ट आता है, उस एविडेंस पार्ट में कई बार
ए सी को पहचानता ही नहीं है। जब उसके सामने मजिस्ट्रेट द्वारा ये पूछा गया कि इन तीन व्यक्तियों में से कौन एक्यूज है, किसने आपको चेक दिया था, तो ए पहचान ही नहीं पाया। ए पहचान नहीं पाया तो उसकी कंप्लेंट क्या हो गई, डिसमिस हो गई। अब मान लीजिए वो पहचानता है, तो उसके पहचानने के पहले भी कुछ क्रॉस में आपको बताया कि वकील बाल की खाल खींचता है, यानी हम विटनेस बॉक्स में ऐसे प्रश्न पूछते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं सब प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और जब आपके पास थर्ड पार्टी चेक होता है, तब आप उसकी हैबिट्स, उसकी चॉइस, उसके बारे में आपका क्या ट्रांजेक्शन हुआ था, कुछ आप कंप्लेनेंट जो रहता है वो अवेयर नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में कंप्लेनेंट के डिसमिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसी दशा में जब कभी भी हमारा जिस व्यक्ति से इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहा है, थर्ड पार्टी का केस, थर्ड पार्टी का कोई भी चेक हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए टू गेट दी सक्सेस इन दी केस। पीडीसी के केस में एक दिक्कत सर नॉर्मली देखने में आती है, जिसने पीडीसी दिया और उसकी डेथ हो गई, अब मेरे पास वो चेक पड़ा हुआ है, और नॉर्मली ये होता है हुंडी के व्यापार में या कैश ट्रांजेक्शन में कि मैं आपको 6 महीने बाद ये पैसा अदा करने का वचन देता हूँ, और उसने मुझे चेक दे दिया। अभी उसकी डेथ हो गई और वो अकाउंट क्लोज हो गया है, मैं चेक लगाता हूँ, वो चेक बिकॉज अकाउंट क्लोज है या अकाउंट कंटिन्यू भी है, और सामने के परिवार वाले मुझे मना कर देते हैं, उस केस में मेरे पास क्या रेमेडी है, और मुझे नोटिस सर्व करना है तो किसके ऊपर करना पड़ेगा, उसके लिए क्या? पोस्ट डेटेड चेक जो होते हैं, इसमें दो बातें हैं, डेथ ऑफ एक्यूज्ड और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट। पहले तो दोनों को समझते हैं। अबेटमेंट ऑफ द सूट, एक वर्ड है अबेटमेंट। एक अबेटमेंट तो वो होता है दुष्पेरण, ABETMENT, ये वाला नहीं, अबेटमेंट ABATEMENT, अबेटमेंट जिसको हम बोलते हैं हिंदी में उपशमन, वाद का उपशमन। क्रिमिनल केसेस में एक्यूज की डेथ से क्रिमिनल केस खत्म हो जाते हैं, उपशमन मतलब एंडिंग ऑफ द केस। अब यहां पर जब पोस्ट डेटेड चेक देने वाला मतलब ड्रॉवर की डेथ हो जाती है, यहां पर कोर्ट के व्यूज सुप्रीम कोर्ट के अब चेंज हो चुके हैं, कंप्लेनेंट की डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके एलआर केस को प्रोसीड करेंगे, उस प्रोसीडिंग्स को एलआर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक्यूज की डेथ में दो चीजें आपको समझनी रहेगी, वन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एंड वन इज एनसेंट्रल प्रॉपर्टी। व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति है और व्यक्ति के पास सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। यदि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का ड्रॉवर एक्सपायर हो जाता है, तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का जो लीगल, उसका जो सक्सेसर होगा, नाउ कोर्ट ने उस सक्सेसर को क्या कर दिया है, बाइंडिंग बना दिया है। नाउ वी हैव टू सर्व द नोटिस टू द लीगल सक्सेसर ऑफ द दैट पर्सन हु इज डिसीज्ड। थैंक यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली अमाउंट कई बार आपने देखा होगा, कहीं ब्लैंक चेक दे दिया करते हैं और ब्लैंक चेक में व्यक्ति अमाउंट मनचाहा भर देता है, इतना अमाउंट कि उस व्यक्ति की फाइनेंशियल स्टेटस भी इतना नहीं है कि अमाउंट क्या वो उसने देखा भी नहीं होगा, और इतना अमाउंट उसने भर दिया उसके अकाउंट में नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अराइजेस होते हैं जब ये क्लियर ली जाती है कि द चेक वॉज डिलीवर्ड ब्लैंक और द पर्सन हैज पुट डाउन अमाउंट इन दी वर्ड एज वेल एज इन दी नंबर, व्यक्ति ने शब्दों में और अंकों में स्वयं भर दिए, तो ऐसी स्थिति में डिफेंस में जो ये प्रश्न बताया गया कि ये उसकी फाइनेंशियल स्टेटस को देखा जाता है, तो ये केस एक्विटल के लिए और कन्विक्शन के लिए, यानी जो उसका जो एविडेंस पार्ट होता है, उस एविडेंस में उसकी फाइनेंशियल पोजिशन को बिल्कुल देखा जाता है और न्यायालय उसको कंसिडर करती है। बहुत सारे जजमेंट कोर्ट के अवेलेबल हैं इसी बिंदु पर कि फाइनेंशियल स्टेटस व्यक्ति का कितना था और कितने रुपए का उसने चेक ड्रॉ किया है, तो ये एविडेंस का पार्ट होता है और उसको बड़ी ही क्लेवरनेस के साथ न्यायालय के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम। इट वॉज अ वेरी एनलाइटनिंग सेशन। योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज क्लैरिफाइड ऑन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल इश्यूज रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल लॉस। इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर अस टू लिसन टू यू अगेन इन अ फ्यूचर इवेंट। I now call upon Garjana ma'am for the vote of thanks. पंकज जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे जटिल और महत्वपूर्ण अधिनियम को सरल एवं सारगर्भित शब्दों में आपने समझाया, उसके कठिन प्रावधानों से हमने अवगत कराया। हमारी दैनिक गतिविधियों में शायद बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और बहुत सारे अधिनियम को जानने की जरूरत होती है। सीए करते वक्त नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ते जरूर है, पर
पर जब प्रैक्टिकली उसे अप्लाई करने जाते हैं तो बहुत सारी हमें कठिनाइयां आती हैं। एंड आई एम श्योर सभी इस बात से मेरी सहमत होंगे कि आज हमारी बहुत सारी कठिनाइयां आपने सॉल्व कर दी हैं। मुझे विश्वास है कि हम सब अपने क्लाइंट्स को सलाह देते वक्त आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया है उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। साथ ही सवाल जवाब भी आपने बहुत ही लाजवाब तरीके से प्रैक्टिकल रूप में हमारे समाधान किए हैं। सर, यहाँ से बस मैं एक ही छोटा सा आपको एक विश्वास के साथ कहना चाहूँगी कि आपने जो उद्बोधन दिया, आपने जो उद्बोधन के रूप में हमें नोटिस दिया, वो पूर्णतः हमारे दिमाग पे तामिल हो गया है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। What we mean by this is succession planning is mandatory to ensure future success of an organization. We welcome you all to the second session of day 2 of the sub-regional conference on allied laws on the topic succession planning, restructuring and case studies related to it. I request Sir Harsh Virodha sir to escort our honorable guest speaker Sir Vijay Bhutra sir to the dais. According to a survey published in Economic Times, only 15% of family businesses have a robust and documented succession plan in place. While large and established business groups systematically work out their succession plans, many family-owned and medium and small-sized businesses in India are in a phase of transition. In the recent past, we've come across quite a few examples depicting how critical it becomes to have a clearly laid down policy on matters as delicate as succession, like ICICI Bank, Axis Bank, or for that matter, Yes Bank. Especially when more and more companies are going global in their looks and character, with each passing day, succession planning has become essential. Talking about restructuring, it may change business operating model that in effect changes the requirements and capabilities in running the business process. With huge changes resulting from restructuring, previous plans that have been set up may no longer be applicable, including succession plan, because the model changes, the requirements change, and the capabilities change. I now call upon CA B.M. Bhandari sir and CA Dalpa Jain sir to welcome our honorable guest speaker. CA Nirmal Sancheti sir. Before we begin, like everyone to see a small AV on the introduction of sir. Thank you, MOC.
कल रात को हम विजय पुटड़े जी से मिले थे सर, कल्चरल प्रोग्राम में आया था। आज सुबह जब मैं इनसे मिलने गया तो सर ने बोला ऐसा प्रोग्राम हम हमारी पुणे ब्रांच में भी रखेंगे जैसा कल रात को हुआ। आज का जो टॉपिक है सक्सेशन प्लानिंग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए कि 10 दिन पहले ही मैं एक क्लाइंट से मिला, उन्होंने ये बताया कि मेरा जॉइंट वेंचर होने वाला था। फॉरेन क्लाइंट्स ने इंडस्ट्री देख लिया, फाइनेंशियल देख लिया, सब कुछ देख लिया, ऑल परफेक्ट डील होने वाली थी। और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि आपका सक्सेशन प्लान क्या है। इंदौर की बड़ी जॉइंट फैमिली है, ब्रदर्स साथ में काम करते हैं, बच्चे भी हैं, पर वो बोले कि मैं ये जवाब नहीं दे पाया और मैंने वो डील भी नहीं की। मेरे पास ही वो जवाब नहीं है, मैं क्या करूँ और मेरा आगे क्या है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि इन्वेस्टर भी, अगर आप किसी के पास जाएंगे, IPO में जाएंगे, इन्वेस्ट करना चाहेंगे, या आगे भी आपके एम्प्लॉयज भी सोचेंगे कि कंपनी को अगर आगे बढ़ाना है, भले ही बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो, तो किस तरीके से आपका आगे सक्सेशन प्लानिंग है वो आपके सब देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब उसके ऊपर जॉइंट वेंचर नहीं हुआ, सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर। टाटा सन्स जो है वो पूरा अपना मैनेज करती है टाटा ट्रस्ट के थ्रू, सारी कंपनियां उनकी लिस्टेड है, बस टाटा सन्स जो है वो अनलिस्टेड कंपनी है। तो सक्सेशन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सब सर ब्रीफ में बताएंगे पूरा आगे। थैंक यू अनु जी। I now request Vijay sir to enlighten us with his views on this topic. Good morning everyone. I first of all would like to thank ICI Indore, Abhay ji, Harsh ji and all of you for being here and giving me this opportunity to present whatever little experience I have on the topic of succession planning as well as corporate restructuring. Before I start, I would certainly like to mention about two things which I experienced with ICI Indore. One is the yesterday's program. That was fabulous. I have never seen such a program in past quite a few years. You know, I have been attending those programs. Very, very energetic, and I was really amused with the energy members also showed there. That was one. Second, the building of ICI Indore. And I mean, this is a fabulous structure we have created here, and the kind of facilities and, you know, amenities we have created here is really appreciable. We don't have that in Pune as well, though Pune is a bigger city than Indore, probably having much more business. So I would certainly, would want a big applause to be given to the members here for creating such a good facility. Before I begin with my presentation, one more thing again I would want to mention, and already as Harshji has mentioned, that the importance of succession planning, and he gave a very apt example. So with that note, let me share some of my experiences. So in succession planning today, I will mostly talk about wealth succession planning, but I will also touch upon the business succession as part of my presentation. I would like to present some global facts in this scenario where, you know, what happens to family businesses beyond a point. In most of the countries, about 70% of the business is run by families. So be it India, be it US, be it any other country in the world. This is the broad statistics. In India, this percentage may be a little more high because the way we are seeing, even biggest of the conglomerates are still run by the families. So family businesses is a backbone of any economy, and it will comprise of all kind of entities, small, medium, large. So all kind of entities will be definitely, you know, somewhere
about 70, 80, 90% depending on the country will be run by the family members. Now, most family businesses, and again this is a globally seen fact, most family businesses do not survive for long beyond their founder stage. And there are reasons, and the most important being the lack of succession planning. We have seen that about 90, and I'm quoting this from a survey carried by a world organization, that about 95% of the family businesses do not survive beyond third generation. So founder, his son and grandson. We have not seen family businesses surviving, 95% of the family businesses surviving beyond this stage. Okay. Let me be a little loud then. Hello. Is it audible now? Okay, perfect. My apologies. So I was last mentioning that, okay, let me summarize it again maybe. Most of the countries, whatever we have seen, you know, till today in terms of business data, globally about 70% of the business is carried on by families. So 70% of the economy is run by family businesses. It can cover small, medium, or even the large enterprises. And we in India, we have so many examples, Ambanis, Adanis, Birlas, Tatas. Tata may be now exception, because now it's really run by professionals. So even we see the bigger names, right? In India, we see the majority of the business is still controlled by the families. And in small businesses, we definitely know that those are run by families. The issue with the family businesses is that they don't survive long. And the reason, the most important reason, is lack of succession planning. Now, bigger companies, as they grow in size, they have planned for, you know, these things. But at smaller levels, we are unable to plan for various reasons. There are family issues, family sensitivities. It is an avoided topic normally because of the family sensitivities. So succession planning in small setup is because of the negligence or lack of awareness is avoided. Therefore, most family businesses do not survive long beyond founder stage. And we have seen 95% of the businesses, family businesses, have now not survived beyond third generation. In many cases, it happens second generation may be nahin chal raha. I mean, there are various reasons. Father has set up the business with, you know, his own efforts. He has started from zero. But the son may not be interested today. He has studied abroad. He wants to do something else. He may not be interested in running the business. He may have a different aspiration. So there could be many other reasons. So what is the solution to it? One, right governance structure. And the second, a succession plan. These are the two things which will ensure a long-term survival of your business. This is a typical structure in a family-owned businesses. So you will have multiple entities, few of them operating companies, partnerships, some of investments companies are there which are holding stakes in your entities. And then there could be even more complex structures where, you know, there are multiple cross holdings in a family structure. Now, what is the problem with this structure? Can one of my fellow colleagues here tell me what is the problem with this structure? No, so we are presuming it's owned by the family members somewhere, so that connectivity is not an issue. I'm talking of a real issue with the structure. Okay. Okay. If tomorrow this family, having business spread across the verticals, want to, you know, raise funds either from a private equity partner or from a strategic partner,
or by going in IPO, what would be the first thing they would want to do or they would be required to do, which is not there today? Their business is not lying in one entity. The value of business is not consolidated at one level. The first and foremost requirement for any such fundraise exercise, particularly if those are like a private equity investments, where you may want to dilute to the minimum possible extent. In those cases, it is very important that we consolidate the value of our business in one entity. Whether it is through corporate restructuring, mergers, or by share transfers in a holding subsidiary model. So, right now, we are not able to see that here. These are some typical issues in family businesses, which we have observed over a period of time. As I mentioned, inheritance planning, because of the sensitivities ki bachche kya sochenge, bhai sahab kya sochenge, pitaji kya sochenge, agar main aaj hi baat kar lu, wo sochenge are aaj hi tu mere marne ki baat kar rahe. That is not the problem. So because of these sensitivities, this is a topic which is avoided in the family discussions. While it is so much important, considering the consequences of that on the business. Like Harshi mentioned, an absolutely apt example, that everything is fine, the diligence was done, the business was good, foreigners liked everything, and that one question which the promoter could not answer, what is your succession plan, was a deal breaker. And in traditional Indian families, I mean, yes, we have a culture of respect. Hum badon ki izzat karte hain, and we have kind of inculcated that in our generations. But that is not an excuse for discussing such an important topic within the family. But historically, it has happened. The sensitivity around it has, you know, resulted in not discussing this topic and not planning for this. Cross holdings. So, in my career of last 15-16 years, I have seen so many family businesses holding their main operating businesses or even the multiple companies through a web or complex web.